अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र को इस बात की सूचना दे दी है वह पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी के साथ ही अब इस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होगी जो कि एक साल लंबी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की गैस ऑयल और कोल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए पेरिस समझौते का विरोध किया था और अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने तभी ऐलान किया था और अब उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। खास बात यह है कि अमेरिका के पेरिस एग्रीमेंट से निकलने की प्रक्रिया 4 नवंबर 2020 को खत्म होगी, यानी उस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। बता दें कि पेरिस समझौते के तहत 200 देश शामिल है जिसमें कुछ निश्चित गैसों को नियंत्रित करने या उनके उपयोग को कम करने का समझौता हुआ है। इसमें भारत, चीन जैसे बड़े देश भी शामिल है। पेरिस समझौते में अमेरिका 2015 में शामिल हुआ था, तब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, लेकिन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसे वापस ले लिया गया। ओबामा प्रशासन ने वादा किया था कि वह 2025 तक अमेरिकी ग्रीन हाउस मिशन में 26-28 फीसदी की कटौती करेंगे। अमेरिका में पर्यावरण से जुड़े ट्रस्टों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को गलत बताया है और कहा है कि इसकी वजह से वह 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हार सकते हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस समझौते से हटने की वजह बताई गई है, इसमें अमेरिका के साथ ज्यादती हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस समझौते के तहत सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है और उसका अधिक पैसा जा रहा है, लेकिन भारत और चीन जैसे देश इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारत की ओर से दो टुक कहा गया है कि भारत जैसे देश अभी विकासशील देशों में शामिल है, ऐसे में विकसित देशों को इसका अधिक भार उठाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।